discuss chapter number 3, function in charts in Microsoft Excel. Students, today we will discuss auto sum function. What is the mean of auto sum function? Auto sum function is a tab in your Excel machine. It can insert different types of mathematical functions like sum, addition, sum, product, count, min, max, etc. Okay, so how to use auto sum function? The method is given. First of all, click on the formula tab. What is the formula tab? Formula tab present on your main menu. This is the main menu. Okay, click on formula tab. First step is this. Click on formula tab. In the function library, जब आप formula tab पे click करते हो, तो just नीचे यहाँ पे आपका जो open होगा, यहाँ पे बहुत सारे आपके function होंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपका library group आपका लिखा होगा. Okay, that means कि when you click on the formula tab, library group will be open. Library group जो है वो आपका open हो जाएगा. In the library group, you click on auto sum. ठीक है, आप auto sum drop down arrow, यानी कि आप क्या करेंगे, ये आपका auto sum है. यहाँ पे आपका insert function दिया, आप इसको click नहीं करोगे. इसमें आप देखेंगे कि आप इस तरह से यहाँ पे column wise आपके बहुत सारे जो है वो functions होंगे, जो कि आपके लाइब्रेरी फंक्शन यानी कि जो एक्सेल की लाइब्रेरी में आपके स्टोर है. सपोज दैट इंसर्ट फंक्शन, ऑटो सम, रीसेंट यूज यानी कि रिसेंटली आपने किस फंक्शन को यूज किया है, तो सभी में ये इस तरह के जो आपके ये जो एरो बने हैं जिनको हम लोग कहते हैं ड्रॉप डाउन एरो, सभी में ये ड्रॉप डाउन एरो होगा जिसके थ्रू हम लोग क्लिक करके हम लोग बहुत सारे फंक्शन को है सेलेक्ट कर सकते हैं. ऐसे ही आपका इसमें फाइनेंशियल होगा, मैथमेटिकल होगा, टेक्स्ट फंक्शन होंगे. That means कि in library group there are so many functions are available. So now click on auto sum drop down arrow. आपने auto sum drop down में click किया, जैसे ही आपने auto sum click इस पे auto sum button पे आपने या auto sum arrow जो आपका drop down arrow है आपने इस पे click किया, आपका ये जो है ये आपका ये window open हो जाएगी. ठीक है, इसके बाद आपकी ये second window this one. फॉर्मूला के बाद आपने इस स्टेप पे किया सेकंड, दिस इज द सेकंड स्टेप, और थर्ड स्टेप अब आपका यहाँ पे आ गया. यहाँ पे आपके देखेंगे ऑटो सम, यानी कि ऑटो सम में आपको ये सिंबल दिख रहा है. ये जो सिंबल होता है ये ऑटो सम का सिंबल है, इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा. इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सिग्मा. हम लोग इसको सिग्मा कहते हैं. और इस ऑटो सम में ड्रॉप डाउन अगर एरो है, दैट मींस कि इट कंटेन्स नंबर ऑफ फंक्शंस. ये क्या करेगा, बहुत सारे फंक्शंस को स्टोर रखता है. तो ये जो फंक्शंस है लाइक दिस, ये सम, एवरेज, मैक्स, मिन, और इतने आपको डिस्प्ले में मोर फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो और भी फंक्शन दिखेंगे. अब हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट अ फंक्शन फ्रॉम द लिस्ट. आप अपने अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, इसमें से जो भी आपका फंक्शन है, सपोज जैसे मैंने एवरेज लिया, तो मेरा क्या होगा कि ये एवरेज पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपका जो सेल बना होता है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो जब आपका ये एक्सेल की ये दिस इज द शीट ऑफ एक्सेल, ये आपकी एक्सेल की शीट होती है, मैंने इस सेल पे जाके किया तो आप देखेंगे यहाँ पे ये इस तरह से एवरेज लिख के आ जाएगा. ठीक है, ये एवरेज लिख के आएगा और ब्रैकेट आपका ऑलरेडी बन के आ जाएगा. अब आप इसके अंदर रेंज जो है, रेंज का मतलब सेल वैल्यू या कुछ भी, आप इसमें सेलेक्ट करके खुद लिख सकते हैं. जैसे ही आप लिख के एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली उस रेंज का एवरेज आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आपका ये ऑटो सम फंक्शन जो है वो, या ऑटो सम जो इसकी प्रॉपर्टी है उसका हम लोग क्या यूज करते हैं और किस तरह से, या क्लियर हो गया. तो एक बार हम लोग फिर से इसको रिविजन कर सकते हैं कि ऑटो सम फंक्शन हम लोग कैसे करेंगे. क्लिक ऑन फॉर्मूला टैब, नेक्स्ट क्लिक ऑन लाइब्रेरी ग्रुप, क्लिक ऑन नहीं, व्हेन यू क्लिक ऑन फॉर्मूला टैब, इन द लाइब्रेरी लाइब्रेरी फंक्शन ग्रुप क्लिक ऑन
और सेलेक्ट ऑन ऑटो सम फंक्शन. ओके, इन ऑटो सम विंडो यू सेलेक्ट एनी फंक्शन. क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह से हम लोग ये ऑटो सम कर सकते हैं, और ऑटो सम में ये आपका सिग्मा का फंक्शन बना होता है. सिग्मा का मतलब ही होता है कि ये ऑटोमेटिकली आपका सम, मतलब इस फंक्शन के अंदर बहुत सारे आपके फंक्शन प्रेजेंट है. ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लेट्स रिव्यू इन पेज नंबर 37. दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, फर्स्ट इज अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला इज नोन एज, यू नो वेरी वेल, प्री डिफाइंड फॉर्मूला इज नोन एज फंक्शन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड FIV, द वैल्यू ऑन विच द ऑपरेशन आर परफॉर्म, यानी कि आपका द वैल्यू ऑन विच द ऑपरेशन आर परफॉर्म. हम लोग फंक्शन में जो आप लोग सपोज मान लीजिए कि आपका ये फंक्शन है, क्लियर? अब आपने इस पर ये, ठीक है, तो ये ब्रैकेट में ये दो वैल्यूज दिए, तो ये फंक्शन जो है वो इन वैल्यूज पर ही तो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि द वैल्यू ऑन विच द ऑपरेशन आर परफॉर्म कॉल, तो हम लोग इन वैल्यूज को क्या कहते हैं, तो दीज वैल्यूज आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स. ओके, दिस इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट्स. क्लियर? नेक्स्ट इज द आउटपुट ऑफ पावर 2.3, दैट मीन्स कि जैसे भी इस क्वेश्चन में हमने देखा तो 2.3 इज ऑल्सो कॉल्ड आर्ग्यूमेंट. अब यहाँ पे आपका है द आउटपुट ऑफ इक्वल पावर 2.3, इसका आउटपुट क्या आएगा या वैल्यू क्या आएगी, क्वेश्चन इस जैसे भी हो सकता था, द वैल्यू ऑफ इक्वल पावर. ये तो इस तरह के क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस में बहुत सारे आएंगे. ठीक है, 2.3 का मतलब क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 to the power 3, इसका मतलब ये हो गया. तो अब आप यहाँ पे 2 into 2 into 2, तो आंसर विल बी 8. आई थिंक दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट, द डैश फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम अ सेट ऑफ नंबर्स, यानी कि आपको ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें से आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आपका हुआ इक्वल मैक्स दिस. ओके, आप जो भी फंक्शन यूज करेंगे विद इक्वल साइन, विद फंक्शन नेम एंड विद ब्रैकेट, ब्रैकेट्स को हम लोग कहते हैं पैरेंथेसिस. क्लियर? तो इस तरह से ही आपको ये फंक्शन लिखना है. सो कंप्लीट द लेट्स रिव्यू. ओके स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज सफिशियंट फॉर टुडे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.